और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर कुमार विश्वास के लगाए गए आरोपों पर पंजाब के सीएम चन्नी को गृह मंत्री ने क्या भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। हिजाब विवाद को लेकर कब होगी अगली सुनवाई। और भारत ने लगातार दूसरा T20 मैच जीतकर सीरीज पर किया कब्जा। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर कुमार विश्वास के लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री को खत लिखकर आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी आतंकियों में सांठगांठ का आरोप लगाया, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी गुट सिख फॉर जस्टिस के बीच संबंधों को लेकर गंभीरता से जाँच का भरोसा दिलाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि पिछले कुछ सालों में सीमा पार से घुसपैठ काफी कम हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवर्धन यानी बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस प्लांट में घरेलू गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाई जाएगी, जिससे सैकड़ों वाहन चलेंगे। 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस प्लांट की क्षमता 550 टन की होगी। प्रधानमंत्री इस दौरान भोपाल इंदौर के साथ ही देवास के स्वच्छता उद्यमियों से संवाद भी करेंगे। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 दोषियों को आईपीसी 302 यूएपीए के तहत फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ब्लास्ट के मामले में 77 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान चली गई थी। विशेष अदालत के सुनाए गए फैसले के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात की और कहा कि अदालत का फैसला अविश्वसनीय है, हमें उम्मीद है कि दोषियों को हाईकोर्ट में न्याय मिलेगा। मौलाना मदनी ने कहा कि इससे पहले भी निचली अदालत के फैसले के बाद दोषी बरी होते रहे हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद का हल शुक्रवार को भी नहीं हो सका, लेकिन इस बीच कर्नाटक सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल प्रफुल्लिंग नवदगी ने बेंच के सामने यह दलील रखी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। उधर कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में शुक्रवार को भी हिजाब पहनकर आने वाले को एंट्री नहीं दी गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे मुंबई की एक अदालत ने 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने ठाणे कोर्ट में एक न्यायिक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कास्कर की कस्टडी मांगी थी। इस वक्त वसूली से जुड़े अलग अलग केसों में इकबाल कास्कर महाराष्ट्र के ठाणे जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएए प्रदर्शनकारियों को भेजे गए सभी वसूली नोटिस को वापस ले लिया है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में दिया और बताया कि राज्य की सरकार ने 14 और 15 जनवरी को आदेश जारी कर सभी 273 नोटिस को वापस ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए कानून के तहत नया नोटिस जारी करने की इजाजत मांगी है और कहा है कि नए नोटिस के तहत कोर्ट के सभी आदेशों का पालन किया जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 186 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित ओवरों में 3 विकेट पर 178 रन ही बना सकी। T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की यह 100वीं जीत है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला कल खेला जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।